राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ प्रीति माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, ये जो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए शिवरात्रि के लिए फ्लावर पैटर्न की ड्रेस बनाकर कम्प्लीट करी थी, ये देखिए, इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनकर आई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम इस ड्रेस की ही मैचिंग का देखिए फ्लावर पैटर्न का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट बनाना सीखेंगे। और इसका मेजरमेंट भी देखिए मैंने वीडियो में बताया है कि आप छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए इस मुकुट को कैसे बनाकर कम्प्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज की इस वीडियो में देखिए हम इसी मुकुट को जो है बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर कंप्लीट होने वाला मुकुट है। और इस वीडियो को देखिए शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस डिजाइन पसंद आ रहे हो तो सबसे पहले तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कोई नया डिजाइन लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए अगर आपको लड्डू गोपाल जी का ये मुकुट पसंद आया हो, इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक एक लाइक और अपना एक एक कमेंट जरूर दें। और अगर आपको देखिए मेरी सभी वीडियोस पसंद आ रही हो, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हो तो उसके लिए देखिए जब भी आप वीडियो को देखें तो अपना एक एक लाइक और एक एक कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए अब हम इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जो है इस मुकुट को देखिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 17 चेन जो है पहले से ही बनाकर कंप्लीट कर ली है। और इस मुकुट के देखिए दो खास बात है, एक तो ये कि इसके अंदर आपको मेजरमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी जितने भी बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं आप उनकी चोली बनाकर कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए यहाँ पर 12 चेन लेते हैं या 15 लेते हैं, उतनी ही चेन आपको जो है इस मुकुट को बनाने के लिए लेनी है। और ये जो मुकुट बनकर आता है ये बिल्कुल परफेक्ट आता है लड्डू गोपाल जी के। तो आप मेजरमेंट अगर नहीं भी करेंगे तो भी आप इसको जो है इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की देखिए चोली बनाते हैं, सेम ये मुकुट उसी प्रोसेस से बनकर कंप्लीट होता है। बस चोली के अंदर हम फोर्थ लाइन में उनकी बाजू बना देते हैं और हमें इसके मुकुट को बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन बनानी पड़ती है। और ये वाला जो मुकुट है मैंने बसंत पंचमी की ड्रेस में भी आपके साथ शेयर करा था, लेकिन एक बार मैं आपके साथ दोबारा यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि ये जो मुकुट है हमें किस तरह से जो है देखिए स्टार्टिंग से बनाकर कंप्लीट करना है। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि मेजरमेंट की आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप जितने भी अपने आपके लड्डू गोपाल जी हैं आप जितनी चेन लेकर उनकी चोली बनाकर कंप्लीट करते हैं उतनी ही जो है चेन यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ले लें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लास्ट में मैंने यहाँ पर देखिए अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए 5 से 6 नंबर के लिए यहाँ पर 17 चेन ली है। बाद में हम यहाँ पर 3 चेन और लेंगे, 1, 2, 3। और 3 चेन लेने के बाद जैसे हम चोली बनाते हैं देखिए वैसे ही हमें इसको बनाना है, 1, 2, 3। 3 चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लाइन है बस वो हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हम चोली बनाते हैं। देखिए हर चेन को हम पिक करेंगे यहाँ पर और उसके अंदर 1, 2 ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी चेन है यानी हमने 17 चेन ली है यहाँ पर, इनके अंदर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस फर्स्ट राउंड को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट राउंड जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमने हर चेन के अंदर कुछ नहीं किया है, बस डबल क्रोशिया बनाया है। और अब देखिए यहाँ पर हम वर्क को टर्न करेंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद जहां पर देखिए हमारी ये चेन है उसी के अंदर हम यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एक हमारी 3 की चेन थी और एक हमने बनाया तो ये 2 हो गए। अब हर चेन के अंदर हमें 2-2 बार जो है डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और इसी चेन में एक बार और बनाएंगे, 2। तो देखिए हर चेन में अब हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हम चोली में बनाकर कंप्लीट करते हैं। और ये मुकुट देखिए बनाना तो आसान है ही,
उसके साथ ही ये बहुत जल्दी भी बनकर कंप्लीट होता है। तो देखिए इसी तरह से जो है बनाते हुए आप अपने इस सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए ये बिल्कुल चोली की तरह ही बनकर आ रहा है, क्योंकि इसका जो तरीका है वो बिल्कुल जैसे हम चोली बनाते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोबारा से लास्ट में जो है तीन की चेन लेंगे और तीन की चेन लेने के बाद अब जहां पर हमने ये चेन बनाई है वहां पर नहीं बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए हम जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी तीन की चेन थी, एक ये हो गई, तो दो। अब थर्ड जो है चेन में हम एक बार दोबारा बनाएंगे, ये तीन हो गए। उसके बाद फोर्थ चेन में हम दो बार बनाएंगे, तो देखिए एक बार बनाया और उसके बाद इसी चेन के अंदर अब हम दोबारा बनाएंगे। तो देखिए यही तरीका हम चोली बनाने के लिए भी यूज करते हैं यहाँ पर। तो अब इस लाइन के अंदर जो है हम तीन चेन के अंदर तो एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ चेन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपना थर्ड राउंड जो है बनाकर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड राउंड है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये जो मुकुट का हम बेस बना रहे हैं ये देखिए बिल्कुल चोली की शेप ले चुका है। अगर हम इसका फोर्थ राउंड बनाकर बाजू कंप्लीट करें तो ये देखिए ये इस तरह से चोली बनकर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस मुकुट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर केवल इसके तीन ही राउंड बनाने हैं और अब हमें इसको जो है फोल्ड कर मुकुट की जो है शेप देकर इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए जो भी साइड आपको पसंद हो, अगर आप इसको इस तरह से देखिए अंदर की, ये आपको जो है एक हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक हिस्से को थोड़ा सा बड़ा रखना है जिसको हम पीछे की तरफ ले जाकर स्टिच करेंगे। तो आपको जो साइड पसंद हो, अगर आपको ये वाली साइड पसंद है तो यहाँ पर देखिए इस हिस्से को थोड़ा सा अंदर रखें और इस हिस्से को थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो पीछे का हिस्सा है इसको भी हमें कवर करना है इस तरह से रखते हुए। तो देखिए ये हमारा इस तरह से जो है ये देखिए मुकुट की शेप ले लेता है। और अगर आपको ये वाली साइड रखनी है तो आप इस हिस्से को अंदर रख दें और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखें और इस तरह से पीछे की तरफ स्टिच कर लें, तो ये देखिए ये इस तरह से एक पगड़ी की शेप ले लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो साइड आपको रखनी है तो एक हिस्से को अंदर दबाना है और एक हिस्से को थोड़ा बड़ा रखते हुए जो आपका ये ऊपर का पार्ट जो ओपन है इसको जो है इस तरह से बस हमें कवर कर देना है। और यहाँ पर देखिए इस हिस्से को और इसके पीछे के हिस्से को और ये जो साइड का है इसको जो है हम यहाँ पर स्टिच करके एक प्रॉपर मुकुट की शेप देकर इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पगड़ी की शेप लेकर कंप्लीट हो चुकी है। हमने सिर्फ इसको देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर पीछे की तरफ के जितना भी ये पोर्शन था दोनों को एक साथ मिलाते हुए दोनों सिरों को यहाँ पर साइड से, पीछे से और इस साइड से जो है स्टिच कर दिया है। और ये इस तरह की देखिए पगड़ी बनकर कंप्लीट हो जाएगी और ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इसका बॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे की, सबसे नीचे की हमारी लाइन है, यहां से हम इसको अपने धागे को पिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट करने के बाद बॉर्डर बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर एक ही चेन लेंगे और उसके बाद हर चेन के अंदर यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। चेन के अंदर देखिए इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो इसकी आउटलाइन है पगड़ी की वो हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ही इसी तरह से देखिए कंप्लीट करेंगे। और ये सिंगल क्रोशिया जो हम बनाएंगे ये देखिए पगड़ी के चारों तरफ बनाएंगे, सॉरी पूरे राउंड में इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहां से पूरा नीचे की तरफ इस तरह से लाएंगे और ये जो हमारी लाइन जा रही है ऊपर की तरफ ये देखिए, तो जहां तक ये लाइन जा रही है वहां तक इसी तरह से बनाते हुए इस बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारी जो पगड़ी है उसका बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और ये जो है इस तरह से भी देखिए बहुत ही प्यारी लगती है, अगर आप इसको सिंपल भी लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। बाकी हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देंगे और यहाँ पर अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो देखिए यहाँ पर इस मुकुट को डेकोरेट करने के लिए ये जिस तरह के देखिए हमने फ्लावर ड्रेस में लगाकर कंप्लीट करे हैं, ये देखिए इसी तरह के रोज फ्लावर हमने ड्रेस में लगाए हैं ये देखिए। और इन्हीं फ्लावर का यूज करते हुए मैं जो हूँ इस मुकुट को जो है डेकोरेट करूंगी। पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ, इसका मेजरमेंट समझा देती हूँ, फिर आपको
तकलीफ नहीं आएगी कि ये छोटा रोज फ्लावर जो है कैसे बनकर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ये जो छोटा रोज फ्लावर है इसका मेजरमेंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जिनके लड्डू गोपाल जी देखिए छोटे हैं, जीरो साइज के हैं, वो इस तरह से देखिए छोटे छोटे से रोज फ्लावर बनाकर अपनी ड्रेस को और मुकुट को जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तरीका जो मैंने आपको ड्रेस में बताया है रोज फ्लावर बनाने का, तरीका वही रहेगा। बस यहाँ पर मैंने क्या करा है, जो फर्स्ट चेन में देखिए हमने पांच पांच जो है डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाकर फर्स्ट राउंड को कम्प्लीट करा है। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड है यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ज्यादा चेन नहीं ली है, यहाँ पर मैंने सिर्फ चार चेन ली है दूसरी लाइन के अंदर, और यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया बनाया है और वो भी सिर्फ पांच बार। तो देखिए मैंने इसके जो है राउंड कम कर दिए हैं, बड़े फ्लावर के अंदर हमने सेकंड राउंड में ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और एट टाइम्स बनाया था, लेकिन इसके अंदर हमने केवल फाइव टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक छोटा सा रोज फ्लावर बनकर कम्प्लीट हुआ है। इसी तरह से देखिए मैंने फिर ग्रीन कलर का बनाया है, सेम तरीका यही है। इसके अंदर थर्ड राउंड में मैंने जो है यहाँ पर एक एक ही चेन बढ़ाई है, यानी मैंने इसको ज्यादा बड़ा ना बनाने के लिए यहाँ पर डबल डबल चेन ना बढ़ाकर जो है एक एक ही सिंगल चेन बनाई है पीछे। और यहाँ पर जो राउंड है मैंने इसके तीन बनाकर कम्प्लीट करे हैं ग्रीन फ्लावर के, लेकिन दोनों राउंड जो मैंने बनाए हैं वो डबल क्रोशिया से बनाए हैं, ट्रिपल क्रोशिया से नहीं बनाए हैं। तो देखिए ये जो है रोज फ्लावर का साइज इस तरह से छोटा हो जाता है। तो देखिए आपको ड्रेस के लिए भी आसानी हो जाएगी और मुकुट बनाने में भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि इन्हीं फ्लावर का यूज करके जो है ड्रेस की मैचिंग का हम मुकुट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा, ये जो है रोज फ्लावर ये बड़ा है, ये जो है मैंने जैसे ड्रेस में बनाए हैं वैसा ही बनाया है, बस मैंने इसके दो ही राउंड बनाए हैं, यहाँ पर तीसरा राउंड इसका नहीं बनाया है। ये वाला जो राउंड है मैंने ट्रिपल क्रोशिया से ही बनाकर कम्प्लीट करा है। और देखिए मैं आपको इसको अरेंज करने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुकुट को हम इस तरह से लेंगे, कॉर्नर पर सबसे ऊपर की तरफ हम बड़ा वाला रोज फ्लावर लगाएंगे इस वाले कॉर्नर के ऊपर, उसके बाद हम इस तरह से देखिए ग्रीन कलर के फ्लावर को बीच में अरेंज करेंगे और सबसे छोटे फ्लावर को इस तरह से। आप इसको जो है अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से भी देखिए तीनों को एक साथ पहले स्टिच कर लें इस तरह से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए बीच दोनों को एक साइड रख के बीच में इस तरह से, दो तीन तरीके हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लें। देखिए एक के ऊपर हम एक इस तरह से रखेंगे और बीच में हम छोटा रखेंगे और एक कॉर्नर के ऊपर आप इसको इस तरह से स्टिच कर दें। तो ये भी एक तरीका है इसको मुकुट को डेकोरेट करने का। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से जो है आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्टिच करके इस मुकुट को यहाँ तक कम्प्लीट कर लें। यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है फ्लावर पैटर्न का मुकुट बनकर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको देखिए आपको दो तीन तरीके बताए थे कि या तो आप इसको लंबाई में रखते हुए, यानी लंबाई में एक के पीछे थोड़ा गैप करते हुए तिरछेपन में जैसे मार्केट में आते हैं वैसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर देखिए मैंने जो है एक ये वाला और एक ग्रीन वाला जो है बैक में स्टिच करके फ्रंट पे इस तरह से येलो कलर का फ्लावर स्टिच कर दिया है, जिससे इस मुकुट का जो लुक है वो बहुत हैवी बनकर आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए साइड में मैंने इसको ज्यादा जो है इसमें चीजों का यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ फ्लावर का यूज किया है और इसके अंदर इस तरह की जो है स्टोन चेन आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वो मैंने देखिए सिंगल जो है चेन इस तरह से लगाकर कंप्लीट करी है और साइड में ये लटकन बनाकर मैंने लगाई है। और ये लटकन मैंने आपको कई बार कई तरीके की बनाकर अपने और भी मुकुट में दिखाई है, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए सिंपल इसके अंदर इस तरह के देखिए आपको नजर आएगा छोटे छोटे से जो है गोल्डन कलर के मोती आपको मिलते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक धागे में स्टार्टिंग में आपको गोल्डन मोती लेना है और एक फिर ऑफ व्हाइट मैंने लिया है, आप ऑफ व्हाइट या व्हाइट या मल्टी कलर भी लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, बस आपको एक गोल्डन एक व्हाइट इस तरह से लेना है और आपको जितना बड़ा ये बंच बनाना है उतने ही आप ये बनाकर कंप्लीट कर ले 15, 20, 25, और बाकी बाद में क्या करना है उन सभी धागों को एक साथ इकट्ठा करके नोट लगा दे, तो ये एक इस तरह का बंच बन जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने ऊपर इसके अंदर इस तरह से दो मोती और लगाए हैं बड़े और साइड में इस तरह से स्टिच कर दिया है, जो थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के साइड में फेस पर जब इस तरह से आता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए हमारा लड्डू गोपाल जी का
जो हमने ये ड्रेस बनाई थी फ्लावर पैटर्न की, उसकी मैचिंग का ये मुकुट बनकर कंप्लीट हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मुकुट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस डिजाइन पसंद आ रहे हो तो देखिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत सी ड्रेस डिजाइन के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।